नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको अपराध की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आपको हैरानी होगी। इस घटना ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया था। यह उस काली रात की खौफनाक कहानी है जब एक ही परिवार के 7 लोगों की बहरे में से हत्या कर दी गई। इस घटना में एक अकेली जिंदा बची थी, एक मासूम बच्ची जिसको हत्यारों ने मृत समझकर छोड़ दिया था। घटना 20 नवंबर 2001 की है। इस कत्लेआम में मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कातिलों की बर्बरता का खुलासा हुआ। पुलिस की जांच रिपोर्ट भी चौंकाने वाली थी। वारदात को अंजाम देने वाले लोगों में उन लोगों का नाम आया था जिनको इन लोगों ने भरपेट भोजन कराया था। लगभग 23 साल पहले गोरखपुर शहर के रुस्तमपुर के शिवाजी नगर कॉलोनी में बैंक कर्मी राकेश राय के परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। बहरे में ऐसी की देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। 3 मासूम बच्चों को दीवार पर पटक पटक कर मारा गया था। अगली सुबह जब छठ पर्व को लोग घरों से निकले और राकेश राय के घर का खुला दरवाजा देखा तो जो भी गया उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पड़ोसी अमित सिंह बताते हैं कि यकीन मानिए बच्चों की लाश देखकर सब डर गए थे। बस एक ही सवाल था, कौन हो सकता है इतना बड़ा दरिंदा। इन सब के बीच एक कोने पर राकेश की बेटी पड़ी हुई थी। सिर से खून बह रहा था, सांसें उखड़ी उखड़ी चल रही थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह उसके पास जा सके। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसको अस्पताल में भर्ती कराया। सिर पर चोट आने की वजह से होश आने में लंबा समय लगा। कई महीने तक वह सदमे में रही। पुलिस की जांच में सामने आया था कि बदमाश वारदात के लिए जगह देखने के लिए दोपहर में राकेश के घर भीख मांगने के बहाने गए थे। भूखा समझकर उनकी पत्नी ने घर में 2 लोगों को बुलाकर भरपेट भोजन कराया था। तब उन्हें भी नहीं पता था कि जिसे वह निवाला दे रही है वही रात में उनके और उनके परिवार की निर्मम हत्या कर देंगे। पोस्टमार्टम में जो जिक्र था उसके मुताबिक राकेश को मारने के बाद बच्चों को मारा गया था, फिर परिवार के अन्य सदस्यों को मौत के घाट उतारा गया था। उस समय को सोचिए जब सिर पर मौत खड़ी हो, मालूम हो कि आप मरने वाले हो और सामने ही छोटे छोटे बच्चों को बेरहमी से मारा जा रहा हो। मौत से पहले ही क्रूरता ने उस परिवार को पूरी तरीके से तोड़ दिया था। बाद में होश में आई बेटी ने भी इसकी पुष्टि की थी कि हम लोगों के सामने ही बच्चों को मारा गया था। घटना के पीछे का कारण जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अपराधियों ने इस घटना को डकैती के लिए अंजाम दिया था। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर राय जरूर दें।